हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रमोद, और लेके आ चुका हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल पे पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हो, अपना अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो गूगल पे के माध्यम से। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताया गाइस। अगर आपका भी ATM घर में आ चुका है और आप गूगल पे बनाना चाहते हो, है ना, किसी को भी पैसे पे करने के लिए, या मान के चलो कोई रिचार्ज करना या जो भी है ना, सब कुछ अगर आप घर बैठे करना चाहते हो और आप गूगल पे अपना जो है अकाउंट बनाना चाहते हो, अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला गाइज। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है गूगल पे है गाइज, इस गूगल पे की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वैसे गाइज, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी गाइज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देने की कोशिश करूंगा इसकी लिंक, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी गाइज, ठीक है। तो चले गाइज, अब हम बिना देरी के करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं गूगल पे में। गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सिस्टम लॉन्चर, असिस्टेंट, ऑडियो लैब, विंडो, वेयर इज माय लैड सागा, ब्लाइंड पीपल गेम स्नेक एंड। तो हम जीपे में चलते हैं गाइज। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और एक्सेसिबल है, आप यहाँ से रिचार्ज वगैरह जो भी करना है वो सब कुछ कर सकते हो गाइज, है ना। इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम इस एप्लीकेशन में। आपको जो वीडियो में लिंक दी गई है ना गाइस, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, गूगल पे को, तो अच्छा होगा आपके लिए। 1400 Gmail, यहाँ पे ये Google Work Pay गाइस, ये है, ठीक है। तो इसको इटालियन सिर्फ पे बोलता है, जी पे है, लेकिन पे बोलता है, हम लोग जो बोलते हैं इसको गूगल पे, मतलब ये जी पे है गाइस, ठीक है, मतलब गूगल का जी आता है ना, तो इसलिए जी पे ऐसा इसका नाम दिया गया है गाइस, ठीक है। तो ये जी पे है, तो इस पे अब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर से इसका नाम सुन लीजिए, जी पे, ठीक है। मैं इसका स्पेलिंग भी बता देता हूँ, जी पी ए वाई, ठीक है, मतलब जी पे, ओके। तो इस पे अब हम क्लिक करते हैं, ओके okay, तो जी पे पे मैंने अब क्लिक किया गाइज, अब ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आगे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, English, मतलब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के बोलता है, ठीक है, आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, कंट्री सिलेक्टर इंडिया है, इंग्लिश बटन, ये लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब हम अभी इंडिया से है ना, इसलिए कंट्री इंडिया है यहाँ पे गाइज, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो यहाँ पे अपनी कंट्री सेट कर सकते हो। वेलकम टू गूगल पे, वेलकम टू गूगल पे, ये हमें वेलकम करता है। एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, नेशनल नंबर कंट्री कोड +91000000000, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है गाइस आपको, ठीक है, जैसा कि ये बोल रहे हैं आपको, एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। तो जैसे एंटर योर फोन नंबर बोलता है, इसके आगे एक बार स्वाइप करोगे, नेशनल नंबर कंट्री कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंट्री का कोड पहले से सिलेक्ट है, हम इंडिया का 91, ठीक है। तो इस पे अब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, 00 ऐसे लिखा है, इसको ये डिलीट होता है, देख लेते एक बार,
नहीं होता गाइस, वो 00 है उसको डिलीट नहीं करना है, वो ऐसे ही वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना हम नंबर डाल देते हैं 6 8 7 Editing. और याद रहे गाइज, आपका जो बैंक में जो नंबर है ना, जो भी नंबर आपका बैंक में अटैच है, बैंक से लिंक है, वही नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर डालता हूँ 4 7 7 8 8 2 2 2 2 2 period 0 8 0 0 space 6 तो मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया गाइस। ठीक है, 5 4 एक मिनट, वेलकम टू ग्रुप इंग्लिश बटन शो मेन्यू, वेलकम टू ग्रुप एंटर योर फोन नंबर एडिटिंग 78,220 63,884। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है, +91 देखो नेशनल कंट्री कोड इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है +91। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। ठीक है, तो मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, टाइप कर ले अब आगे +917822063884। ठीक है, ये नंबर हमारा आ चुका है, कंटिन्यू आगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चूज एन अकाउंट, अब आपको अकाउंट चूज करना है। ठीक है, button show menu show menu choose an account choose an account this is how people on Google Pay will see ram what I sent is sent from 19 so मतलब choose account मतलब कि आपको यहां पे क्या करना है, क्या अपनी gmail id चूज करना है गाइस। ठीक है, आपकी कौन सी gmail id है वो अपनी gmail id आपको चूज करना है, तो हम यहां पे अपनी gmail id चूज कर लेते हैं। ठीक है, by continuing your terms privacy policy term by ram what this is how people on Google Pay will see you इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपनी जीमेल आईडी आपकी मिलेगी, उस पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके आगे साइन इन एज़ ग्राम व्हाट आई सेंट बी सेंट फ्रॉम 94@gmail.com मैनेज योर ग्रुप यूज ग्राम व्हाट आई सेंट फ्रॉम बी सेंट 2001@gmail.com। तो चलो ये इस आईडी से हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है, अब आगे button, show menu, show menu, choose an account, choose an account, this is how people on Google Pay, grab what I said, तो ये हमने सिलेक्ट किया है, gmail.com +917822. ठीक है, तो ये जीमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है गाइस। आगे continuing, you agree to the combined आगे terms, privacy policy, privacy policy, Google services, Google services, accept and continue, accept and continue पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम accept and continue पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई हो रहा है, अबे वेरीफाई हो रहा है गाइस। ठीक है, अबे वेरीफाई हो रहा है नंबर, बटन शो मेन्यू, वेरीफाई योर फोन नंबर, वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाई हो रही है, कीबोर्ड पे नंबर, कीबोर्ड हिडन, तो ये ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। तो ठीक है, बटन शो मेन्यू इंग्लिश आगे, अब क्या है, योर ऐप एक्सपीरियंस, improve your app experience, earn more rewards and change the setting anytime in your Google account, यहाँ से आप change setting कर सकते हो कभी भी Google account की, Google account है, yes, not now, stop record, ठीक है, yes, तो yes कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, personalization turned on, आगे, profile, start with your bank, start with, क्या बोल रहा है, start with your bank, start with your bank, ठीक है, आगे send and receive money securely, okay, add bank account तो अब आपको करना है गाइस add bank account पे क्लिक। ठीक है, तो अब हम add bank account पे क्लिक करते हैं, search bank, ठीक है, तो यहाँ पे search bank का ऑप्शन आता है, अगर आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, अपनी बैंक सर्च कर सकते हो अगर आपके बैंक का नाम शो नहीं हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे स्वाइप करोगे तो जितने भी बैंक्स है सभी के नाम शो होंगे। देखो ICICI Bank, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे सारी बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, मतलब जितने भी बैंक्स है ना, जितने भी बैंक है हमारी कंट्री में सारी बैंक शो हो जाएंगी। तो आपका जहाँ पे भी जो है अकाउंट है, जिस भी बैंक का अकाउंट है उस बैंक पे क्लिक कर दें। तो मेरा SBI का अकाउंट है गाइस। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने अब क्लिक किया, अब आगे टू इंप्रूव योर पेमेंट्स एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा UPI IDs विल बी एक्टिवेटेड स्टैंडर्ड SMS चार्जेस अप्लाई लर्न मोर, आगे लर्न मोर, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट इंप्रूवमेंट्स, कंटिन्यू विदाउट इंप्रूवमेंट्स,
कंटिन्यू करते हैं। और गाइस मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने पहले से कोई फोन पे या पेटीएम पे अकाउंट बना रखे हो तो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन जो होता है वो सेट नहीं करना होगा। अगर आपका किसी कहीं पे भी आपने अकाउंट नहीं बनाया हो, मतलब जैसा पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया, वहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हो और यूपीआई नहीं बनाया हो तो फिर यहाँ पे यूपीआई के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। लेकिन हमने फोन पे बना लिया तो हमें नहीं बोलेगा, ओके। अगर बोलता है तो आपको 6 अंकों का जो है यूपीआई पिन बना लेना है गाइज, और वो यूपीआई पिन किसी को भी बताना नहीं है गाइज, ठीक है। कंटिन्यू कर देते अलाउ कर देते Allow pay to send and view SMS messages. Deny. Allow. Allow कर देना है. Pay. आगे क्या है? Stop recording. 9 minutes. Close. Verify finding bank accounts. Finding bank accounts. Adding bank account. Adding bank account मतलब ऐड हो रही है. अब आगे क्या है? Adding bank account. Adding bank account heading. Stop recording. तो image ऐड हो गया लगता है। Receive money from any UPI app. Send UPI number to easily receive money from any UPI app using your phone number. Okay. तो देखो इसने क्या बोला, फिर से सुन लीजिए। Receive money from any UPI app. Send UPI number to easily receive money from any UPI app using your phone number. Okay. तो आगे? Not now. Not now. Set UPI number. Set UPI number. तो यहाँ पे आप अपना UPI number सेट कर सकते हो, मतलब करना ही होता है यहाँ पे UPI नंबर गाइस, ठीक है। Stop recording. Set UPI number. Set UPI number. अगर आप UPI number सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपना UPI number सेट करना है। और जो भी UPI number आप सेट करोगे ना गाइस, उसको आपको याद रखना है। कभी भी किसी को भी पे करोगे, रिचार्ज करोगे तो UPI पिन आपको डालना ही होता है, ठीक है, तभी होता है। और वो UPI पिन जो है किसी को भी कभी भी बताना नहीं है गाइज। अगर वो बता देते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके पैसे कोई चुरा सकता है गाइज, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। Not now. Receive money from any UPI app. Send UPI number to easily receive money from any UPI app using your phone number. तो आपका अगर देखो, मैंने जैसा कि कहा आपको, अगर आपका फोन पे में अकाउंट है, ठीक है, आपका अगर फोन पे में अकाउंट है और पहले से आपने UPI पिन सेट कर रखे हो तो यहाँ पे नॉट नाउ कर सकते हो गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं दूसरा UPI चाहिए इसके लिए, या आपका कहीं पे भी नहीं है UPI, तो आपको क्या करना है, सेट UPI नंबर पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। तो हम नॉट नाउ करते हैं, नॉट नाउ करते हैं, ठीक है। A faster, safer way to pay. आगे Save your UPI ID to your Google account to pay securely on Play Store and on any app that accepts Google Pay. आगे Pramod Bison. Pramod Bison, yes. By tapping accept, you agree to the terms of service. Privacy note, no, thanks. Accept, no, privacy notice. But terms of service, okay. Privacy, no, accept, stop, accept. Accept पे क्लिक कर देते, ठीक है। Play page. Profile. Profile. Mango season is ending. Earn up to 100. Scan any QR code. Scan any pay contact. Pay phone number. Pay phone number. Bank transfer. Bank transfer कर सकते हो यहाँ से. Pay UPI ID or number. Pay UPI ID or phone number. Self transfer. Self transfer. Pay bills. Pay bills. तो देख सकते हो. Mobile recharge. Mobile recharge. Copy your UPI ID. People. Copy your UPI ID. UPI ID. Promote this at 2001 at Oxby. Button. आगे. People you recently paid will show up here. Find businesses. Explore. Nearby stores is suggested. Cash is suggested. Make a trip. Regular payment. Money view loans. It's a regular payments. Pay and track bill. Mobile recharge. DTH slash electricity. ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? Promotions, rewards, offers. Referrals. यहाँ से रेफरल्स, यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। अगर आप अपने गूगल पे को किसी के साथ रेफर किए और उसने इंस्टॉल किया और वो आपके लिंक से वो इंस्टॉल करता है, और जब भी मतलब गूगल पे पे अपना अकाउंट बनाता है गाइस, और जो है वो किसी को भी 1 रुपये पे करता है या कोई भी रिचार्ज करता है, जो भी करता है, तो आपको 200 रुपये मिलते हैं गाइस फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने लिंक भेजे हो
आपने इसका प्रमोशन किया हो तो आपको 200 रुपये मिलते हैं गाइस। ठीक है, आपको किसी को भी शेयर करना है, अगर कोई आपका दोस्त है उसने अभी अभी ATM बनाया है और वो गूगल पे ओपन करना चाह रहे हैं, उसको बोलना है आपको कि हम मेरे लिंक से आप डाउनलोड कर लें, उसको भी 20 रुपये मिलेंगे। ओके, 20 या 30 रुपये उसको मिलेंगे और आपको 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इंडी होम Check your Sable score for free. Show transaction. Check bank balance. Check bank balance. ठीक है, अब यहाँ से आप check bank balance भी check कर सकते हो। इस पे क्लिक करते हैं। देखो हम check balance. Check balance पे क्लिक किया। Check balance. Gathering information from UPI. Pay. UPI pin will keep your account. One, two. तो देखो यहाँ पे UPI pin अब डालने के लिए बोल रहा है गाइस। ठीक है, तो UPI पिन देखो हमने सेट तो यहाँ पे नहीं किए। ठीक है, हमने नो किए थे। ठीक है, तो मतलब हमारा जो फोन पे अकाउंट था गाइस, ठीक है, तो जो वहाँ पे UPI था वो यहीं पे, यहाँ पे भी वही पिन जो सेट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो हमारा जो फोन पे जो UPI है वही यहाँ पे हम डालेंगे, हमारा 6 डिजिट का है। ठीक है, तो आपने किसी अदर एप्लीकेशन पे UPI बनाए हो फोन पे, पहले से आपने और जो आपका UPI है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, अच्छे से जैसा वहाँ पे UPI डालने के लिए बोल रहा था तो हमने नो किए थे, क्योंकि हमारा जो फोन पे था वही चाहिए। अगर आपके पास कोई भी UPI नहीं तो आपको ये मतलब वहाँ पे क्रिएट UPI मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन आया था वहाँ पे क्लिक मतलब करना है। ठीक है, लेकिन हमने पहले से हमारा फोन पे अकाउंट है तो वही UPI यहाँ पे भी सेट हो चुका है, हमने नो किए थे तो। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो अब यहाँ पे आपको UPI डालना है। ठीक है, जैसे चेक बैलेंस करना है तो मैं आता हूँ UPI पिन डाल करके गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। ओके, अनलेबल्ड बटन 9 एक मिनट UPI पिन एडिट XXXXXX स्टेट 40 स्टॉप अनलेबल्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो गाइस मैंने UPI पिन अपना डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको UPI पिन डायल करना है, जो भी आपका UPI है। ठीक है, आपका 6 डिजिट का जो भी है वो डालना है। उसके बाद आपका जो सेंड बटन होता है गाइस, ठीक है, राइट कॉर्नर पे, आपके फ़ोन के राइट कॉर्नर पे जो होता है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप कोई भी किसी को वीडियो सेंड करते हो, वीडियो को सिलेक्ट करते हो, व्हाट्सएप पर क्लिक करते हो, और जहाँ पर सेंड बटन होता है ना, तो उस जैसे तो वहीं पे आपको एक अनलेबल बटन मिलेगा गाइस। ठीक है, टॉकबैक अनलेबल बटन बोलता है उसको, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, UPI पिन डालने के बाद अनलेबल बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, ये बैक बटन शो मेन्यू चेक बैलेंस हेडिंग है ये आगे। ठीक है, ये अकाउंट का है, वो SBI का है। तो अकाउंट बैलेंस 3443.04। देखो इसने बता दिया कि हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है गाइस। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो गाइस, लेकिन आपको UPI डालना होगा। किसी को रिचार्ज भी करोगे तो पे करने के लिए आपको UPI पिन डालना होगा, लेकिन याद रहे फिर से बता दे रहा हूँ कि वो UPI किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस। आगे स्टॉप रिकॉर्डिंग 1 minute. ठीक है, तो यही है, आप ब्याह करते हैं। तो गाइज इसी तरह आपको जो है गूगल पे अकाउंट बनाना है गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और भी गूगल पे फोन पे के ऊपर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। आपको जानना है कि रिचार्ज कैसे करना है, किसी को घर का जो है बिल जो लाइट बिल भरना है ना, लाइट बिल पे करना है मतलब, या किसी को पैसे ट्रांसपोर्ट करना है बैंक अकाउंट में या फोन पे गूगल पे तो कैसे करना है। अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा गाइज। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ भी समझ आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, 24 घंटे के अंदर आपको हम रिप्लाई कर देंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइज मिलता हूं मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।